जिस क्लास में तुम पढ़ते हो नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार, सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। सिक्स क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हाँ? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट विषय इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है। ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? यस। हाँ। कौन पोयम याद है? 55, 50, 55 का ये स्पेलिंग याद है भी, 100 के भी। वाह, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। हाँ। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। लालू यादव। लालू यादव तो प्रधानमंत्री। मोदी। मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो कैसे हो भाई लोग, गोल्ड वन का अपोनेंट है मगर खेला भाई ये एस की जैसे, क्योंकि जर्सी भी इसकी एस की है, तो मुझे लग रहा है ये एस का प्लेयर रहेगा और बैट भी एस का है इसके पास, और इसकी बॉलिंग ट्रिक भी थोड़ा यूनिक थी, तो बहुत परेशानी हुई इसकी बॉलिंग खेलने में भी। तो बढ़ते हैं टॉस की ओर और देखते हैं टॉस में क्या होता है। तो यहाँ पे टॉस मैंने जीत लिया है और बैटिंग लूँगा। तो भाई लोग जर्सी कैसे है मेरे आप लोग बताओ। ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी आईडी, रसल है, इसमें मैकलम है, और यहाँ पे रबाड़ा से स्टार्ट करते हुए भाई पहली बॉल बाउंसर, बटन प्रेस नहीं हुआ, और यहाँ पे अंपायर वार्निंग देंगे। सेकेंड बॉल देखो, सेकेंड बॉल पे थोड़ा सा लेट हो गए, यहाँ पे दो रन मिल जाएंगे, और आएगी तीसरी बॉल। तीसरी बॉल पे हमने चढ़ दिया है छक्का, बहुत ही अच्छा वाला शॉट खेला है पांड्या ने, और इस बार फोर्थ बॉल पे यहाँ पे लेट हो गया, बाउंड्री मिल जाएगी, तो 12 रन हो गए भाई लोग। पूरी बॉलिंग इसी तरह की हुई है। पांचवी बॉल अच्छे से कनेक्ट हो गया है और पांड्या ने जड़ दिया है छक्का, और यहाँ पे ओवर की आखिरी बॉल, इसे भी भेज देंगे आम स्पैन में, तो 24 रन हो गए भाई लोग एक ओवर में। सेकेंड ओवर आमिर लेके आया है और नबी है स्ट्राइक पे, लेट खेलने की कोशिश करने से नहीं हुआ, और इस बार चकमा देते हुए हमें, और फिर से बैट और बॉल का संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, और फोर्थ बॉल भी हम मिस करेंगे, और यहाँ पे पांचवी बॉल पे शॉट लगेगा बाउंड्री मिलते हुए, मगर अंपायर यहाँ पे डेड बॉल देंगे। वाह भाई वाह अंपायर, और फिर से पांचवी बॉल मिस, और ये ओवर की आखिरी बॉल भी मिस। तो भाई लोग पूरा ओवर मेडन चला गया है यहाँ पे, दो ओवर में सिर्फ 24 रन पैट कमिंग्स आए हैं, और पहली बॉल बाउंसर करने की कोशिश, बहुत ही अच्छा शॉट पांड्या का, बहुत ही अच्छा वाला अपर कट खेला है, और सेकंड बॉल कटर है और इसे भी जड़ देंगे पांड्या छक्का। पैट कमिंग्स का बाउंस थोड़ा ज़्यादा है तो बैट में आ जाती है बॉल, इस बार चकमा देते हुए, और आ रही है फोर्थ बॉल, इसे पढ़ लिया है पांड्या ने बहुत ही अच्छे तरह से, और इसे भेज दिया है स्टैंड में, और यहाँ पे पांचवी बॉल आ रही है, मिस करवाएंगे पैट कमिंग्स, और ओवर की आखिरी बॉल यहाँ पे लेट हो गए, तो दो रन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं बॉलिंग में मॉरिस आए हैं, और यहाँ पे नबी ने बहुत ही अच्छा स्वागत करते हुए मॉरिस का छक्का लगा दिया है। सेकेंड बॉल आ रही है, सेकेंड बॉल एडवांस खेलने की कोशिश, लेट हो गए, दो रन मिलेंगे, मगर एक ही रन लिया है इस बार पांड्या है स्ट्राइक पे, फिर से एडवांस खेलने की कोशिश, थोड़ा सा लेट हो गया, इस बार दो रन ले लेंगे। फोर्थ बॉल आ रही है भाई लोग, इसे भी अच्छे से पढ़ लिया है पांड्या ने और इसे भी भेज दिया है स्टैंड में, और ओवर की पांचवी बॉल, ये भी अच्छा कनेक्शन बना और ये भी जाएगी स्टैंड में, और आखिरी बॉल है भाई लोग, बटन प्रेस नहीं हुआ, तो 65 रन हो गए चार ओवर में, बहुत ही कम रन है, और नॉर्गे को लेके आया है, और ये देखो क्या शानदार अपरकट खेला है नबी ने, बहुत ही बेहतरीन शॉट, और ये यॉर्कलैंड की बॉलिंग, और यहाँ पे एज लगा है परफेक्ट पे, और यहाँ पे नबी की विकेट जाते हुए भाई लोग, तो रसल को लेके आया वो आखिरी चार बॉल खेलने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा बाउंस ज़्यादा था तो पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ दिया है, इस बार कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया है रसल ने, लगातार दो छक्के, और यहाँ पे देखो फिर से कवर के ऊपर से छक्का जड़ते हुए रसल, बहुत ही अच्छा टाइमिंग है रसल का,
और इस बार हम स्ट्रेट शॉट खेलेंगे और ये भी कनेक्ट हो गया है। तो लगातार चार छक्के जड़ दिए थे रसल ने, 96 रन हो गए भाई लोग, 97 का टारगेट है और ये भाई की टाइमिंग तो बहुत ही कमाल है। और यहाँ पे एंडरसन पहली बॉल खेलते हुए और पहले ही बॉल से टाइमिंग का पता चल जाता है भाई लोग, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे और नो बॉल भी था ये। सेकेंड बॉल हम मिस करवाएंगे यहाँ पे और थर्ड बॉल आ रही है और यहाँ पे थर्ड बॉल पे देखो भाई लोग क्या ही बेहतरीन हुक शॉट खेला है। और फोर्थ बॉल उसी तरह की और शॉट भी उसी तरह का, तो बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग कर रहा है ये भाई। और फोर्थ बॉल आएगी फिर से, यहाँ पे डॉट जाएगी ये बॉल। पांचवी बॉल आ रही है, पांचवी बॉल भी हम मिस करवाएंगे और यहाँ पे देखो भाई लोग चीटिंग चालू हो गई इस भाई की। तो भाई इतना अच्छा टाइमिंग कर लेता है तू तो क्या फ़र्क पड़ता है बाउंस से, ये देखो अभी तक पॉज करके रखा है। तो यहाँ पे इससे वाइड बॉल डालने की कोशिश करवा रहा है ये हमसे, तो हमने भी फील्डिंग पे क्लिक किया और बॉल सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो देखते हैं भाई क्या करता है ये। तो इस तरह की चीटिंग करते कुछ लोग और यहाँ पे इस बॉल पे इतना अच्छा टाइमिंग किया, तो ज़रूरत नहीं थी पॉज करने की भाई, अगर तू इतना अच्छा टाइमिंग कर सकता है। एक ओवर के बाद 25 रन इरफान को लेके आया हूँ और यहाँ पे पहली बॉल हम चकमा देंगे इसे। सेकेंड बॉल देखो भाई लोग, सेकेंड बॉल पे थोड़ा सा लेट हो गया, यहाँ पे बाउंड्री मिलेगी इसे, 30 रन हो गए। तीसरी बॉल आते हुए, तीसरी बॉल बहुत ही अच्छा कनेक्शन बैट और बॉल के बीच और ये बॉल जाएगी स्टैंड में। और यहाँ पे फोर्थ बॉल भी बहुत ही अच्छी तरह से खेला है, तो बहुत ही बढ़िया टाइमिंग करते हुए। पांचवी बॉल बाउंस थोड़ा ज़्यादा है, मिस करवाएंगे, अंपायर वार्निंग देंगे यहाँ पे। और ये ओवर की आखिरी बॉल है भाई, देखो फिर से चीटिंग चालू। तो भाई लोग गालियाँ आती हैं मुंह में, ऐसे करते हैं अपोनेंट, तो फेयर खेलना चाहिए। तो मैच में रिजल्ट कुछ भी आए फेयर खेलो, ये वाली चीटिंग ना करो भाई लोग। तो और यहाँ पे बढ़ते हैं, देखो भाई लोग यहाँ पे बॉल थोड़ा सा आगे ही गड़बड़ी में मेरे से सिलेक्ट हो गया, तो ये बॉल पे भी शॉट लग सकता है। तो देखते हैं ये बॉल किस तरह से खेलता है ये। और ये बॉल पे भी अच्छा कनेक्शन और इसे भी छक्का जड़ दिया, तो चीटिंग करने की ज़रूरत भी क्या है भाई तुझे। तो रसल को लेके आया हूँ मैं और यहाँ पे पहली बॉल थोड़ा सा अर्ली खेल बैठे, दो रन लेके यहाँ पे 51 रन हो गए भाई लोग। और सेकेंड बॉल पे यहाँ पे एंडरसन का विकेट जाएगा, तो बहुत ही बड़ा विकेट होते हुए यहाँ एंडरसन का 26 रन पे जाएंगे। और स्ट्राइक पे शहजाद और शहजाद ने रसल को जड़ दिया एक छक्का। और यहाँ पे दूसरी बॉल पे भी लगातार रसल को छक्का जड़ते हुए, क्या ही बेहतरीन टाइमिंग है इसकी। और यहाँ पे पांचवी बॉल आ रही है, ये मिस करवाएंगे हम। और ओवर की आखिरी बॉल है, इसे थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, तो यहाँ पे दो रन मिलेंगे, 65 रन हो गए भाई लोग। तीन ओवर के बाद हार्दिक पांड्या को लेके आया हूँ और यहाँ पे देखो पहली बॉल थोड़ा सा लेट हो गए, तो यहाँ पे दो रन मिलेंगे, 67 हो गए। और ये बॉल देखो भाई लोग क्या ही शॉट खेला है, ज़बरदस्त वाला शॉट खेला है। और यहाँ पे तीसरी बॉल पे भी सेम शॉट भाई लोग, तो यहाँ पे मैच पूरी तरह से हाथ में है भाई के। तो सिर्फ 17 रन चाहिए थे इस भाई को और यहाँ पे तीसरा का विकेट जाते हुए, लगातार दूसरा विकेट मिलते हुए भाई लोग। और शहजाद है यहाँ पे और शहजाद का भी एज लगते हुए और शहजाद भी जाएंगे पवेलियन में, तो लगातार दो विकेट ले लिए है पांडे ने। और तीसरी बॉल बैंटन है और यहाँ पे ओवर की आखिरी बॉल पे बैंटन का भी विकेट जाएगा भाई लोग, तो हैट्रिक लेते हुए। तो लास्ट ओवर में 18 रन बचे हैं, 17 रन बचे हैं और यहाँ पे पहले ही बॉल पे रईस को विकेट ले भाई लोग। तो भाई लोग 17 रन बचे, बैटिंग तो पूरी तरह से ख़त्म है, मगर यहाँ पे देखो भाई लोग क्या शॉट खेला है, 70 की टाइमिंग है इस बैट्समैन की और क्या ही शॉट खेला है। और यहाँ पे तीसरी बॉल मिस करवाएंगे हम, फोर्थ बॉल आ रही है भाई लोग और यहाँ पे देखो फिर से क्या ही अच्छा हुक शॉट खेला है, बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग। पांचवी बॉल ये थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा थी, अंपायर वार्निंग देंगे यहाँ पे।
तो आखिरी बॉल पे सिर्फ 5 ही रन बचे भाई लोग, तो क्या होता है देखते हैं आखिरी बॉल पे। तो इस बॉल पे अगर टाइमिंग हो जाए तो ये भाई मैच जीत जाएगा, अगर ना हो जाए तो हम मैच जीत जाएंगे। तो यहाँ पे भाई लोग टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे ये भाई, तो 2 रन ले गए। तो इस तरह से भाई लोग 2 रन से मैच गया, आखिरी बॉल तक मैच गया। तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।